वेलकम बैक। हमारी बातचीत हो रही है इटली के टूरिन शहर के अस्पताल में काम कर रहे भारतीय नर्स हेमगौड़ा रुद्रप्पा जी से। हेमगौड़ा साहब ने अब तक की बातचीत में हमें कई अहम जानकारियां हमसे साझा की हैं। उन्होंने हमें बताया है कि कोविड पेशेंट्स के स्टेज 1, 2, 3, 4 में क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कब हमें कॉल सेंटर पर या हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर जांच के लिए बुलाना चाहिए। हेमगौड़ा जी, एक अहम जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूं। इंडिया में लोगों के अंदर बहुत डर है आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर या क्वारंटीन को लेकर। लोगों को ये लगता है कि अगर हम टेस्टिंग के लिए गए और हमें ना भी हुआ हो तो शायद वहां जाने के बाद हो जाएगा। ये डर कितना वाजिब है और ये कैसे खत्म होगा? नहीं, इसके बारे में मैं बोलता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, ये तो बहुत बड़ा बीमारी नहीं है कि एक बार हमें आए तो ये जाता ही नहीं, इससे रिकवर करता ही नहीं। बोले तो फॉर एग्जांपल एड्स की तरह तो नहीं है ये, एड्स या कैंसर वैसे तरह नहीं है, ये एक सिंपल फ्लू है। प्रॉब्लम क्या है, इसको नेग्लेक्ट किया तो ये बहुत बढ़ जाता है। अभी बोले तो आप फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में आप आइडेंटिफाई करके आपके हिसाब से आप जो आपका मेडिकल या जो कौन नजदीक है उसको कॉल करके आप इंडिया में भी अभी वो कॉल सेंटर खोले हैं और हेल्पलाइन खोले हैं, आप कॉल करके आपका डाउट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा इंडिया में अभी तक थर्ड स्टेज में है या बोलते हैं अभी सेकंड स्टेज से हम थर्ड वीक पास कर रहे हैं, अभी तक उतना ज्यादा केसेस नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि हमारे लोग को कौन सा सिम्टम्स ये है, ये कोरोना वायरस का ही साइंस एंड सिम्टम्स है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है लोग, और फिर बाद में बोल रहे हैं अभी हम ऐसे ही साइंस एंड सिम्टम्स से बोल के हम हॉस्पिटल को या किसी को कॉल दिया तो हमको 14 दिन सिर्फ घर में ही लॉकडाउन करते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल में लॉकडाउन करते हैं। ये बहुत चिंता है। सर, आपने बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है, हमें ये बताइए कि कब किसी व्यक्ति को हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स आने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? पहले तो ड्राई कफ, खांसी, जो खांसी जब उसको स्पूटम नहीं आता है और ड्राई कफ रहना है, फिर बाद में हाई फीवर रहता है। हाई फीवर किसको रहता है, 2-3 दिन देखो आप पैरासिटामोल ये सभी खाओ, वो खाने के बाद भी मॉर्निंग और शाम को आपका फीवर राइज हो रहा है तो फिर तुरंत जाओ। तुरंत जाने का नहीं, आप जो जहाँ पे है उसको कॉल करो, फिर बाद में वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले है, वो जो एम्बुलेंस वाले आते हैं वो चेक करते हैं। उसमें थ्रोट स्वैब का एक चेक करने से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे ही आप एक बार चेक किया तो उसमें उतना ये नहीं होता, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे वाले अभी आप पानी चेंज किया, एक दिन गर्म पानी पिया, एक दिन कोल्ड पानी पिया, फिर बाद में आपको गले का खराब है तो उसके लिए नहीं, आप थोड़ा सोच के ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है इसमें डायरिया भी आता है, नाउजिया भी आता है, वॉमिटिंग आता है, और इसमें मेन है कि खांसी जो ड्राई कफ परसिस्टेंट 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली रहा है तो, और फिर बाद में हाई फीवर कंटिन्यूअसली 3-4 डेज पैरासिटामोल लेने के बाद भी नहीं गया तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस का पहला स्टेज है। और फिर बाद में आपको मसल पेन हो जाता है, मसल पेन तो पूरे तो हड्डी में या इसमें बहुत जॉइंट्स पेन रहता है, फिर बाद में आपको बहुत थके लगते हैं, फिर बाद में आपको एक करीबन 10 या 15 स्टेप्स भी चढ़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपको अभी इंडिया में बहुत सारे लोग मेरे से अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो हार है उसको बहुत ब्रीथलेसनेस रहता है, बोले तो उसको जो ओन वो रेस्पिरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसको ब्लॉकेज जैसा रहता है और बहुत पेन आता है, चेस्ट पेन वो जैसा आता है। हमें बताइए कि जब 20-30 दिनों में एग्जैक्टली आपकी आंखों के सामने कैसे हालात थे, कैसे स्थिति दिन ब दिन बिगड़ता चला गया, हॉस्पिटल में जो मरीजों का फ्लक्स है वो बढ़ता चला गया। यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इटली में जो हमने पहले बोला था, यहाँ पे ओल्ड एज लोग बहुत है, उसका जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन अराउंड 60% ओल्ड एज पीपल है,
प्रॉब्लम में हुआ कि ये जो इटली का गवर्नमेंट का जो स्टेप्स थे वो इनिशियली वो अच्छे तरह से नहीं किया। ये पहले के 31 जनवरी को ये फाइंड किया रोम में, वो दो चाइनीज टूरिस्ट थे, उससे ये जो पहला केसेस पॉजिटिव केस वहां पे रिकॉर्ड हुआ। फिर बाद में उसका जो रूट निकाल के गया तो इसको पता चल गया ये लोग बहुत टूरिस्ट प्लेस थे, क्योंकि इटली में करीबन 17 लाख एक साल को चाइनीज टूरिस्ट आते हैं, 17 लाख चाइनीज टूरिस्ट अच्छा. आते हैं एक साल में। तो फिर इसमें ये लोग क्या किया, अभी टूरिस्ट वाले या बंद किया तो ये लोगों को इकोनॉमिक में बहुत मारपीट करेंगे बोल के ये लोग बंद नहीं किया फ्लाइट्स अच्छा. डायरेक्टली। अभी वुहान को डायरेक्ट फ्लाइट था, यहाँ से मिलान से वुहान को डायरेक्ट फ्लाइट एवरीडे एक फ्लाइट था, और चाइना को करीबन 4 या 5 फ्लाइट थे हर एक दिन मिलान से अच्छा. डायरेक्ट, और रोम से भी 2-3 थे। ये लोग चाइनीज के, यहाँ पे भी बहुत सारे बार एंड रेस्टोरेंट ये सभी चाइनीज का ही है यहाँ पे। ये लोगों ने पहले जब दो लोगों का डिस्कवर किया, ये लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया, ओके ये छोड़ता नहीं, ये दोनों से आए बोल के चुपके बैठे। फिर बाद में फ़रवरी 1 वीक में एक बंदा यहाँ पे जो इटालियन बंदा था वो चाइना में बिजनेस मीटिंग को गया, बिजनेस मीटिंग के बाद ये वापस आया। वापस आने के बाद ये कंपनी में गया, कंपनी में पूरा लोगों को मिला, ये यहाँ पे जो है इसका जो ग्रीटिंग का है ये हग देते हैं और चीक में किस देते हैं, ये जो इसका फॉर्मेलिटी है या इसका ट्रेडिशन है उसके हिसाब से। इसने पूरा जो एयरपोर्ट में आया, जब थर्मल स्क्रीनिंग किया एयरपोर्ट में, टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर नहीं था, ये आ गया। ये आने के बाद ये सोचा मेरे को कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी उसका जो रिलेटिव्स हाउस थे और पूरा जो गांव थे, वो जो गांव मिलान से 70 किलोमीटर था उसमें जाके वो वहां पे पूरा एक कार्निवाल था, एक कार्निवाल बोल के जो फेब्रुवरी और अच्छा. मार्च में बहुत सारे कार्निवाल आते हैं, एक कार्निवल में इसने पार्टिसिपेट किया। और जो कार्निवल में पार्टिसिपेट करने से इसने पूरा जो वो गांव था, वो गांव में पूरा 600 मेंबर्स थे, पूरा 600 मेंबर्स को ये फाइल दिया। ओह गॉड. वो पूरा वहां पे उसका नाम है, वो जो गांव का नाम है कोदोनिया बोल के, वो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन किया। फिर बाद में फ़रवरी 16 को ये मालूम हो गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब इमिडिएटली लॉकडाउन किया, अच्छा. स्कूल्स और कॉलेज को छुट्टी दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये किया, ये लोगों ने नेगलेक्ट किया कि ये लोग सिर्फ स्कूल और कॉलेज बंद किया लेकिन बार एंड रेस्टोरेंट और सब कुछ ओपन कर दिया, चालू. चालू कर दिया। ये लोग क्या किया, नाइट लाइफ का ये लोग बहुत चाहते हैं ना, इसलिए ये लोग सुबह का तो कॉलेज भी नहीं, काम भी नहीं, तो फिर ये लोग पूरा नाइट नाइट एंजॉय एंजॉय करने को किया. लगा हाँ. नाइट के। और फिर ओ बाद में ये ओ लोग, ये जो यंग यंग पीपल थे, ये फिर बाद में घर में जाते थे, घर में जो बूढ़े लोग थे इसको ये लोग ये हाँ करते थे, क्योंकि यंग लोगों में इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहता है, इसलिए इसको हाँ इमिडिएटली उसको कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सर्दी हुआ वो लगे नहीं, हम तो बाहर थे पूरा दिन रात को, और यहाँ पे भी मौसम अभी भी ठंडा ठंडा था जब फ़रवरी या मार्च में, इसलिए ये लोग ऐसे नेग्लेक्ट किया। समझ नहीं ये पाए. नेग्लेक्ट हाँ. या ये नेग्लेक्ट करने के बाद स्टिल ये फ्लाइट्स तो आते, सभी भी आने जाने का थे, ये लोग ऐसे भी करते थे, वो बंद नहीं किया था। बहुत सारे काम जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी है, और मैंने भी न्यूज में देखा कि ये यहाँ पे लेदर फैक्ट्रीज और गारमेंट्स है, ये जो यहाँ पे काम करते हैं वो लोग वुहान पे वुहान से थे, और वुहान से बहुत डायरेक्ट लोग यहाँ पे आते थे, इसलिए वो भी एक चीज है कि बहुत ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे लोम्बार्डी रीजन में। अभी आपके हॉस्पिटल में कितने कितने मरीज हैं जो कोविड के एडमिटेड हैं? आप करीब शायद 200 के आसपास आप बता रहे थे. हाँ, मेरे जो हॉस्पिटल में 200 बेड का है, अभी 200 बेड में पूरा हम कभी भी फुल ली है अभी तक। और एक 3 दिन से हमारा जो पॉजिटिव केसेस है वो थोड़ा कम हो रहा है,
करीबन 500 कम हो रहा है, लेकिन डेथ रेट अभी 500 या 600 के नसीबी है और आसपास। कुछ आसपास से है, कम कम हाँ नहीं हाँ हुआ है। दो तीन मेरे कोलीग भी पॉजिटिव हुआ था, लेकिन ये पॉजिटिव हुआ था कि हमने हमारे वार्ड में जो पहले आए थे वो सस्पेक्ट थे, वो पॉजिटिव नहीं थे। जब सस्पेक्ट थे, अच्छा हम हमारा प्रिकॉशन नहीं लिया, हमने पीपीए नहीं डाले थे, इसीलिए वो लोगों को पॉजिटिव हुआ। वो होने के बाद वो भी रिकवर हो गए, एक रिकवर होके वो वापस ड्यूटी को आए और एक अभी भी पॉजिटिव है और घर में है। आपके जो सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी घर में हैं, उनकी उम्र क्या है और क्या सिम्टम्स उनके अंदर डेवलप हुए हैं? एक जो मेरा कोलीग है उसका 35 ईयर्स का है, वो रिकवर हो रही है, और एक जो 45 ईयर्स की थी उसने जा रिकवर होके वो आ गई वापस, क्योंकि उसको करीबन 1 महीने रखे थे क्योंकि वो इनिशियल फेज में हुए थे, वो रिकवर होके और भी आए हैं। और ट्रीटमेंट सभी घर में ही लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो इसको इम्यूनिटी पावर रहता है वो रिकवर हो सकता है उसमें। हेमगौड़ा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारियां दी है। दर्शकों, आपने सुना हेमगौड़ा जी को, जिन्होंने कई सारे पेशेंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, कोविड के पेशेंट्स को, और वो बता रहे हैं कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्यूरेबल है, रिकवरी रेट भी अच्छा खासा है। इटली में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनमें कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनको बाकी बीमारियां भी थी, तो ये उम्र होने की वजह से, इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से उनके उन पर कोविड वायरस का असर काफी बुरा हुआ और वो नहीं बच पाए। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनमें रिकवरी के रेट काफी ज्यादा हैं। आप घबराएं नहीं, SNTV इंडिया पर ये बातचीत का सिलसिला अभी और जारी है। हम Part-3 में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सोनिया गांधी की एक बचपन के मित्र भी COVID-19 का शिकार हुई, कोरोना वायरस का शिकार हुई, और उनसे हेमगौड़ा जी की क्या बातचीत हुई वो अगली अगले भाग में हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए SNTV इंडिया के साथ। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।